आप सब आए हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा तबीयत वबीयत मेरा ख़राब हो गया था करके ब्लॉग व्लॉग नहीं आ रहा था। तो चलते पहले अपन नाश्ता करते फिर देखते घर से कितना क्या काम चल रहा है और आप लोग को दिखाते हैं। बहुत दिन हो गया यार, थोड़ा तबीयत वबीयत ख़राब थी करके ब्लॉग व्लॉग नहीं कर पा रहा था। बहुत दिन हो गए, करीबन एक आध महीना हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो फिर से अपन कंटिन्यू होते हैं, अपना डेली ब्लॉग करते हैं। चलो पहले अपन नाश्ता करते हैं, अभी कुछ 11:30 बज रहे हैं, फिर नाश्ता करते हैं उसके बाद चलेंगे घर पर। आपको खाते हैं क्या क्या काम चल रहा है। वैसे यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद ब्लॉग चालू किया मैं। वैसे आज बना है पूड़ी और ये है भिंडी की सब्ज़ी और हमारे लिए बना है रोटी क्योंकि हमारा है तबीयत थोड़ा ख़राब। चलो जल्दी से खाते हैं फिर भाग लेते हैं घर से। अरे यार मेरा फ़ोन का चार्जिंग पिन ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है मेरे को, ये पूरा मैसअप कर दिया, इससे चार्ज करना पड़ रहा है। चार्जिंग है कि नहीं, चलो चार्ज तो है, 2 पॉइंट चार्जिंग हो जाएगा इससे। पता नहीं यार कैसे ख़राब हो गया चार्जिंग पिन फ़ोन का, बहुत दिक्कत हो गया है। बनवाने गया तो बनवाने के लिए बोलते 30,000 रुपये लगेगा, 30,000 रुपये यार, तो मैं वाला नहीं बनवाता। देखेंगे बाहर वार से बनवा लेंगे, अपन बाहर से बनवा लेंगे। सर्विस सेंटर से तो पूरा मदरबोर्ड चेंज करूँगा बोलते हैं, मदरबोर्ड तो यार चेंज कराऊँगा तो पूरा डाटा भी जाएगा प्लस कोई मतलब भी नहीं होगा ना, उसे देखता हूँ बाहर बनवा लूँगा। तो चलो निकलते हैं अभी। अरे यार बाहर तो धूप हो गया, थोड़ी देर पहले छांव था, गर्मी तो बहुत बढ़ चुका है। सोच रहा हूँ आज क्रॉक्स ले लूँ चल के, और हमारी धनिया यहाँ खड़ी हुई है तो निकालते हैं। बहुत दिन हो गया नहीं चलाया हूँ इसको मैं। करीबन एक आध महीने से गाड़ी नहीं निकाला। चलो ऐसे कितना दिन भी हो जाए 21 साल में चालू हो जाता गाड़ी। अच्छा तो फीलिंग वीलिंग हो चुका है पूरा मुरूम का, थोड़ा बहुत मुरूम बचा हुआ है उसको सबलिंग करने के बाद डालेंगे और ईटा जोड़े का काम चालू हो गया है। पूरा ईटा को जोड़ेंगे, देखो यहाँ पूरा ईटा जोड़ दिए हैं, वैसे यहाँ भी जोड़ दिए हैं, ये देखो पूरा लाइन से तीन पूरा ईटा जोड़ दिए हैं। अभी यहाँ का भी काम चल रहा है और जितना दिख रहा है ना सब जगह भी ईटा जोड़ देंगे पूरा। और ये जो जगह छूटा है ना यहाँ पे सामने का डोर आएगा तो इसलिए यहाँ छोड़ दिए हैं, बाकी इधर जितना भी दिख रहा है सब जगह पूरा ईटा जोड़ देंगे और सबलिंग करेंगे बाद में। देखो इसमें अभी ईटा जोड़ने का काम चल ही रहा है, इतना बड़ा जाएगा गेट, हाँ पूरा यहाँ तक क्या आएगा गेट। ईटा जोड़ने का काम एकदम जल्दी जल्दी चालू हो चुका है, ये तो पहले ही जोड़ दिए थे, बाकी अंदर का भी देखो पूरा जोड़ दिए हैं, एकदम जल्दी जल्दी ईटा जोड़ रहे हैं। पीछे का ईटा का जोड़ाई का काम चल रहा है, बाकी यहाँ तो पूरा छोड़े थे उसके लिए मेन डोर के लिए और यहाँ पूरा ईटा जोड़ रहा है और इसको पूरा छील रहे हैं ताकि जो दीवार का जो ईंट उठा है ना तो अच्छे से चिपक सके सीमेंट के साथ। और इधर का दीवार देखो पूरा उड़ गया है, इधर का भी थोड़ा बहुत उड़ गया है। अभी पूरा देखो जोड़ाई का काम चल रहा है ईटा। पूरा यहाँ भी जगह छोड़ रहे हैं कूलर के लिए, यहाँ पे कूलर लगेगा, इसके जस्ट ऊपर खिड़की आएगा तो ऐसे यहाँ पे स्पेस छूटेगा और यहाँ पे सीढ़ी जाएगा, ये पूरे जगह पे जगह से पूरा ऊपर सीढ़ी निकलेगा। पूरा जोड़ दिए हैं और पूरा जिस गैप आ जाता है ना उसके लिए सीमेंट भरना पड़ता है। और ये देखो ये ईटा से मदद से पूरा प्लेन कर देंगे ऊपर पूरा सीमेंट को, क्यों करना पड़ता है यार ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है ईटा, पहले सीमेंट उसके बाद ईटा रखते हैं। ये 4 इंची दीवार है क्योंकि ये वॉशरूम का दीवार है इसलिए 4 इंची आ रहा है, बाकी पूरा 9 इंची दीवार जाएगा अपना। ऐसे सीमेंट रख के पूरा इसमें ईटा रखते हैं, नहीं तो फिर ईटा जमेगा नहीं, इसीलिए पूरा ऐसे करते पूरा। तो चलो आज अपन चलते हैं शिवनाथ नदी के पास जो ठाकुर होटल है वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ का चाय पीते हैं, यार बहुत दिन हो गया है
वैसे मैं अधिकतर तो वहीं जाता हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत मस्त चाय मिलता है। और चलो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं और सीधा निकलते हैं अपन शिवनाथ नदी की तरफ। और भाई साहब क्या पोहा बनाता है भाई, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाता है वहाँ पे सब चीज़। अगर आप लोग भी मतलब कभी भी बाहर के लोग अगर भिलाई आए तो यहाँ ज़रूर आना। भिलाई में रहते तो ऑफकोर्स सब लोग आधे से ज़्यादा लोग जाते हैं, और जो नहीं जाता हो वो भी जाके एक बार ज़रूर टेस्ट करना भाई, एक नंबर बनाता है हर चीज़ खाने के लिए। लेफ्ट साइड में रोमन पार्क और राइट साइड में वृंदावन होटल पड़ता है। बड़े बड़े होटल है यार यहाँ पे, फ्लाई ओवर के जस्ट नीचे पड़ेगा। और ये हमारा छोटा सा और बड़ा सा होटल ठाकुर आ गए हैं। और देखो यहाँ पे पूरा मस्त सब चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे खाने वाने का, और क्या टेस्ट रहता है यार। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ पे ज़रूर से हर चीज़ ट्राई करता हूँ खाने का। तो चलो पहले चाय लेते हैं अपन, मस्त जहाँ बैठने का भी है। आप लोग गर्मी में भी आओगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो भाई आराम से बैठ सकते हैं। देखो अपन आराम से यहाँ बैठ के मस्त चाय का आनंद लेते हैं। और मैं जब भी आता हूँ यहाँ पोहा ज़रूर खाता हूँ, पहले टोकन लेना पड़ता है। और पोहा चना भाई यहाँ का सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे पोहा चना ही खाता हूँ। आप लोग कितने बजे भी आओ आप लोगों को पोहा चना मिल जाएगा। देखो कितना मस्त पोहा चना और मिर्ची तो मस्त लगता है देखने में ही, और खाने में जो टेस्ट है ना भाई साहब, पूरे भिलाई में घूम लो आप लोग, पूरे भिलाई में ऐसा टेस्ट तो आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है ना पोहा चना, और टेस्ट करते हैं और क्या टेस्ट है भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है खा के ना पोहा को। मैं तो हमेशा यहीं आके ही खाता हूँ और कहीं नहीं खाता भाई पोहा। और जो चाय का भी टेस्ट है ना वो भयंकर मस्त लगता है ना, और यहाँ बैठ के पीने में जो आनंद आता है ना, आप लोग भी आइए और आनंद लीजिए चाय का बढ़िया। चलो यहाँ से निकलते हैं क्रॉक्स लेने के लिए, चलते हैं क्रॉक्स देखते हैं। और आप लोग को भी दिखाते हैं, मार्केट में एक नया जूता आया है उसको लेते चल के अपन, आप लोग को भी लेना हो तो आप लोग आगे भैया के पास से ले सकते। चलो आ गए हैं, दिखाते हैं आप लोग को अंदर चल के। नौ दस ये ब्लैक में ब्लैक कलर है, और एक सिल्वर है, ग्रे भी है, ये वाइट भी है। वाइट लेकिन गंदा हो जाएगा भैया अपने से, थोड़ा सा गंदा होगा तो होगा। सिल्वर ही ठीक है अपने लिए तो। पहन के देखते हैं अपन अब। जूता यार मस्त लग रहा है, तीन कलर है, अलग अलग ब्रांड का भी हो सकता है। अपन ले रहे सिल्वर का, ब्लैक और एक वाइट ले लिए, भैया का कार्ड है आप लोग कांटेक्ट करके आ जाना। चलते घर की तरफ अब अपन। भाई साहब रोड पूरा बंद कर दिए, ये बाजू में जेल है, अगर किसी को जाने का शौक होगा तो चले जाओ भाई जेल। और रास्ता ब्लॉक करके रख दिया हमने। बाहर आ गए
अपन आ चुके हैं घर में और बाहर क्या गर्मी है बॉस। जूतों तो ले लिए हैं, कैसे लगा आप लोग को ब्लॉग कमेंट से बताइएगा। चलते आज के लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नए सफर में नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।